आज मैं आपको इस रेसिपी को घर में बनाने का तरीका बताऊंगी। इस रेसिपी का नाम है चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमे के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो ये हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, 3 अदद मैंने दरमियाने साइज के प्याज जो है वो काट लिए हैं बड़े साइज में, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पिसी हुई सुर्ख मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 खाने का चम्मच नमक और 1 प्याली मैंने यहाँ पे दही की ली है। धनिया मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए लिया है और 2 अदद मैंने सब्ज मिर्चें यहाँ पे छोटी छोटी काट ली हैं। और गरम मसाला जो हम इसमें शामिल करेंगे, साबित गरम मसाला, उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे साबित जीरा लिया है, 2 दालचीनी की मैंने स्टिक्स ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 मैंने काली मिर्च और 3 लौंग लिए हैं और ऑयल 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे इसको पकाने के लिए लिया है। तो आए व्यूअर्स, हम चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर हमने इनको ज्यादा डार्क ब्राउन कर लिया तो उससे कोरमे की रंगत भी अच्छी नहीं आएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। व्यूअर्स, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। व्यूअर्स, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अब हम इसी घी में चिकन शामिल करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें साथ ही साबित गरम मसाला शामिल करूंगी। ये हमने जीरा, काली मिर्च साबित, लौंग, दालचीनी और इलायची ली है, तो मैं इसको साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी ताकि चिकन की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब तक ये हमारे पास फ्राई होता है तो हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो हमने इसमें शामिल करना है। तो आए व्यूअर्स, अब हम इसका मिक्सचर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला हम जब ये तैयार हो जाएगा तब शामिल करेंगे, इसे अभी हम नहीं शामिल कर रहे। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, सुर्ख मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर। अब हम इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको जो चिकन हमने हल्का फ्राई किया है उसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें मिक्सचर शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक देंगे। तो व्यूअर्स, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से ऐसे हिला के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, सब्ज मिर्च और धनिया। हमारा मजेदार चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप देखें कि कितनी प्यारी इसकी शक्लो सूरत आ चुकी है, रंगत आ चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा।
और मुझे जरूर बताइएगा। तो अब मैं इसे पराठे के साथ खाकर देखती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मजेदार है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा।